फिरोजाबाद जनपद में 20 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने नगर पालिका के समीप बने कार्यालय से रोड शो की शुरुआत कर अपने हजारों समर्थकों के साथ नगर में भ्रमण किया। शिकोहाबाद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान नगर में लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं व पुष्प वर्षा कर एवं पगड़ी बांध कर प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। फिरोजाबाद में 20 फरवरी को चुनाव के मद्देनजर शिकोहाबाद विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने नगर पालिका के समीप बने कार्यालय से रोड शो की शुरुआत कर अपने हजारों समर्थकों के साथ नगर में भ्रमण किया। रोड शो नारायण होटल, तहसील तिराहा, पक्का तालाब, कटरा बाजार, एटा तिराहा, मैनपुरी तिराहा, बड़ा बाजार, पतवारी मंदिर, पालीवाल चौराहे होते हुए कार्यालय पर जाकर समाप्त हुआ। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा जी के समर्थन में यहां भारतीय जनता पार्टी का काये के कार्यकर्ता दोनों बाजारों में घूम करके और ओम प्रकाश वर्मा जी के लिए समर्थन की मांग की है। मैं अपने माध्यम से और अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से समस्त जनता से ये अपील करता हूं कि परसों 20 तारीख को कमल के बटन वाले खाने में दबा करके बटन को और इतना भारी बहुमत में जिता देना कि ये आवाज़ सैपई तक पहुंच जाए। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस जनपद फिरोजाबाद की पाँचों सीटें हम जीतने के लिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी की सरकार बनने जा रही है। जनाधार अपार मिल रहा है, अपार जन समर्थन। आज कटरा बाजार से होके बड़े बाजार, काजी टोला होते हुए, रुकनपुरे होते हुए, स्टेट बैंक और स्टेशन रोड होते हुए जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी के द्वारा अपार जन समूह के संग चलाया गया। जनता का आशीर्वाद इतना प्राप्त हो रहा है कि एक एक आशीर्वाद वोटों में तब्दील होगा परसों। और ये हमें विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि फिर दोबारा भगवा शिकोहाबाद विधानसभा में लहराएगा और पिछली बार हमारे फिरोजाबाद जनपद में जो एक सीट रह गई उस पर भी इस बार भगवा लहराने जा रहा है। और 20 तारीख को जनता वोट का बटन दबा के यही नहीं कुछ चंद गलत पार्टियों को बाहर निकालेगी बल्कि गुंडों का, माफियाओं का, लुटेरों का प्रदेश से पूर्ण रूप से सफाया करेगी। और 10 तारीख को प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भारी मतों से, भारी सीटों से दोबारा बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं ने इस शहर शिकोहाबाद के नगर वासियों के चरणों में सत सत नमन किया है, प्रत्येक के घर जाकर प्रणाम किया है। हम आशा ही नहीं विश्वास के साथ कह सकते हैं 98 विधानसभा कमल का फूल खिलाकर योगी जी की माला में अपना सहभागिता प्रदान करेगी। और माननीय ओम प्रकाश वर्मा जी विधानसभा में बैठकर शिकोहाबाद के विकास के मुद्दों को बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है। जय श्री राम, जय श्री राम। जनता ने तय कर रखा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए। 20 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो यहाँ फिरोजाबाद की और शिकोहाबाद की पूरे जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। और आपने कल देखा जिस तरीका से मेरी विधानसभा में जन सैलाब उमड़ा शिकोहाबाद विधानसभा का, उसी तरीका से पांचों विधानसभाओं में लोगों ने तय कर रखा है कि हम योगी मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय में और इनके जो गुंडे हैं, गुंडों को समाप्त करने के लिए लोगों ने मन बना लिया है कि यहाँ के सड़कों का और जो कमीशन जाता था वो सैफई नहीं जाएगा। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पर पैसा लगाने का काम करेगी, जिससे अच्छी से अच्छी सड़क बने, जनता को सुविधा मुक्त जो समस्याएं जो आती हैं गड्ढाओं की वो मुक्त। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सड़कों का काम जो और तमाम जैसे आवास देने का काम और जो योजना दी है बहुत अच्छी से अच्छी देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। ओम प्रकाश वर्मा, संदेश क्या देंगे? मैं अपनी शिकोहाबाद की जनता से हाथ जोड़कर
प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ कि मुझे आज अपना बेटा भाई भतीजा समझकर 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बूथों पर मुझे भारी बहुमत से जिताकर भेजे। मैं आपका हमेशा और आपके सेवा करता रहूंगा। रोड शो के दौरान उनके समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। इस दौरान नगर में लोगों ने जगह जगह फूलमालाओं व पुष्प वर्षा कर एवं पगड़ी बांध कर प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। भाजपा प्रत्याशी ने सभी वर्गों से वोट देने की अपील की। इस दौरान लक्ष्मी नारायण यादव, अरविंद पचौरी, डॉक्टर राम कैलाश यादव, डॉक्टर चंद्रसेन जादौन आदि लोग उपस्थित रहे।